इस वीडियो में बताएंगे आप भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन से अपार आईडी कार्ड बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद सर्च में डिजी लॉकर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद इसको आपको इंस्टॉल करना है एंड उसके बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट वो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप इससे पहले आप इसमें अकाउंट बनाए थे तो आपको साइन इन पे क्लिक करना है। और आप फर्स्ट टाइम हैं तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसमें आपको आधार के अकॉर्डिंग इसमें आपको नाम फिल करना है, इसमें डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, इसमें आपको जेंडर सेट करना है, उसके बाद इसमें आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, इसमें मेल आई डी फिल करना है, इसमें सिक्योरिटी पिन 6 डिजिट का जो है इसमें आपको सेट करना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको जो आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा उस पर आपके 6 डिजिट का जो है ओटीपी सेंड किया जाएगा। उसको आपको फिल करके फिर से सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको इसमें मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद जो आप 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट की थी इसमें आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एलो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सर्च में आपको लिखना है अपार आईडी। यहाँ पे जो है एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपार एबीसी आईडी कार्ड इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके आधार के अकॉर्डिंग इसमें नाम फिल रहेगा और डेट ऑफ बर्थ फिल रहेगा, इसमें जेंडर फिल रहेगा। उसके बाद इसमें आपको किस ईयर्स में आपने एडमिशन कराया है इसको इसमें आपको सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद आपको आइडेंटिटी टैब में आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप रोल नंबर फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर सकते हैं, उसके बाद इनरोलमेंट फिल कर सकते हैं, न्यू एडमिशन नॉन, आपके पास जो नंबर है वो नंबर इसमें आपको फिल करना है। चलिए मैं रोल नंबर क्लिक करता हूँ। उसके बाद इसमें आपको रोल नंबर को फिल करना है। अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप जो रजिस्ट्रेशन करवाए थे तो यहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन कम रोल नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 12 डिजिट का, इसको आपको रोल नंबर में फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सिलेक्ट इंस्टीट्यूट नेम में आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का नाम इसमें आपको सिलेक्ट करना है, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ये जो है एबीसी कार्ड प्रत्येक स्टूडेंट का जो है बनेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पे रोल नंबर जो है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करके इसमें आपको फिल करना है एंड इसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है एंड गेट डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। और एक बात और, जिसका इसमें आधार मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वो जल्द से जल्द करवा ले, क्योंकि जिसका आधार मोबाइल नंबर लिंक है उसी का यहाँ डिजी लॉकर से जो है एबीसी कार्ड बनेगा। चलिए मैं गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास फैचिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। कुछ देर आपको वेट करना है। कुछ देर वेट करने के बाद आपके पास यहाँ पर नीचे में अपार आईडी देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट यहाँ पे अपार आईडी जो है यहाँ पे शो करेगा और आपका नाम शो करेगा, आपका फ़ोटो शो करेगा। इसको आपको प्रिंट करवा लेना है और कॉलेज में आपको जमा कर देना है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।